डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का द एन्चेंटेड पूल का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, चूंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है तो इसलिए कई भाग में मैं वीडियो बना रहा हूं। इससे आपको भी आसानी होगी और मुझे भी आसानी होगी। मैं स्टोरी बता चुका हूं आपको द एन्चेंटेड पूल का, कि स्टोरी वहाँ तक आपको बता चुका हूँ कि युधिष्ठिर के भाई पानी की तलाश में गए हुए थे। काफ़ी समय होने के बाद जब वे वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर उनके खोज में निकल पड़े और उन्हें ढूंढते ढूंढते वह एक तालाब के किनारे पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने अपने भाइयों को मृत अवस्था में देखा और वह उस जगह पर विलाप करना शुरू कर दिए। इतना आप पढ़ चुके हैं, आइए आगे स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ से, एज ही लुकड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। देन ही टू डिसेंडेड इन टू द पूल ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट एट वंस द वॉयस विदाउट फॉर्म वर्न्ड। देखिए, एज ही लुकड, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, सब्जेक्ट नो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस होता है। जब वह देखे, ही का तात्पर्य यहाँ युधिष्ठिर से है, जब युधिष्ठिर ने देखे, एट देयर माइटी लिम्स, उनके शक्तिशाली अंगों को, किनके शक्तिशाली अंगों को, अपने भाइयों के, नाउ सो हेल्पलेस, अब वे बहुत असहाय थे, ही सैडली वंडर्ड, वह दुख किए और आश्चर्य करने लगे, वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कि कौन इतना अधिक शक्तिशाली हो सकता है जो उन्हें मार दिया। मैं आपको एक चीज बता दूं कि भीम के पास 16,000 हाथियों का ताकत था, 16,000 हाथियों के बराबर बल था। तो यह बात स्वाभाविक है, कोई भी सोचेगा कि जिस इंसान के पास 16,000 हाथियों के बराबर क्षमता थी तो आखिर 16,000 से ज़्यादा व्यक्ति रहे होंगे तो ही इसको मारे होंगे। तो यह उनके मन में विचार आया। देन, तब, ही का मतलब हो यानी युधिष्ठिर, टू का मतलब यहाँ भी होगा, भी, डिसेंडेड उतरे, एसेंडिंग और डिसेंडिंग आप पढ़े होंगे, इसका तात्पर्य यहाँ उतरना है, डिसेंडेड नीचे उतरे, इनटू द पूल, तालाब में, ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, कह रहा है तीव्र प्यास से व्याकुल होने के कारण, ओवर पावरिंग मीन्स तीव्र, प्यास से व्याकुल होने के कारण के वजह से युधिष्ठिर भी पानी पीने के लिए उसी तालाब में उतरे जिस तालाब के किनारे इनके भाई मृत पड़े थे। एट वंस, तुरंत, द वॉयस, आवाज, विदाउट फॉर्म, जो बिना किसी आकार के थी अर्थात निराकार थी, वार्न्ड, उन्हें चेतावनी दी, किनको चेतावनी दी, युधिष्ठिर को। आइए एक बार इस पैराग्राफ का यहां से लेकर के यहां तक का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है जब उन्होंने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा जो अब इतने असहाय अवस्था में थे, उन्हें दुख के साथ यह आश्चर्य भी हुआ कि कौन इतना शक्तिशाली है जिसने उन्हें मारा है। तब वह अपनी तीव्र प्यास के कारण पानी की ओर खींचते हुए, प्यास से बहुत व्याकुल थे युधिष्ठिर, पानी की ओर खींचते हुए तालाब में उतरे, तुरंत एक आवाज ने उन्हें चेतावनी दिया। तो आई होप कि आप इस पहले पैराग्राफ का अर्थ पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप जो है कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और अगर हो सकेगा तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो भी अपलोड करूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। आइए देखिए, योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाई मर गए, आपके भाई लोगों की मौत हो गई, आप ऐसा कह सकते हैं, आपके भाइयों की मृत्यु हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इन्फिनिट टेंस है। बच्चों, आपको इसको ध्यान में देना है कि जब कोई भी स्टोरी होती है जो पास्ट को बताती है तो हमेशा पास्ट एंड इन्फिनिट टेंस में ही लिखी जाती है, तो बुक को पढ़ते समय टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिकॉज नहीं पढ़ेंगे इसे, बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट, पास्ट एंड इन्फिनिट नेगेटिव है, हीड माई वर्ड्स, हीड का मतलब यहाँ ध्यान देना, माई मीन्स मेरे, वर्ड्स मीन्स शब्दों के, करा आपके भाई लोग मर गए, आपके भाइयों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया। आगे देखिए, उस आवाज ने क्या कहा, दे, वे लोग अर्थात आपके भाई,
ट्राइड कोशिश किए टू ड्रिंक पीने का। कभी भी वर्ब के पहले यदि टू आएगा तो वह इन्फिनिटिव होगा। टू ड्रिंक पीना, टू गो जाना, टू रीड पढ़ना, टू डांस नाचना। वाटर पानी, विदाउट के बिना, आंसरिंग जवाब दीजिए, उत्तर दिए, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का। उस आवाज़ ने क्या कहा कि आपके भाई लोग जो है मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर ही पानी पीने का कोशिश किए। आगे देखिए, डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत कीजिएगा, उनकी तरह से मत कीजिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस है। स्टूडेंट्स, मैं इस पर 4-5 वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, यह भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, यहाँ वर्ब से स्टार्ट है आंसर। एंड और देन, तब यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब आप अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। यहाँ क्वेंच का मतलब होगा प्यास बुझाना। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है फ्रेंड्स, यहाँ पर पास्ट नहीं है। दिस पूल सब्जेक्ट है, बिलोंग वर्ब है, और यहाँ सिंगुलर होने पर ऐसा लगा है। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। जैसे मेरे हाथ में यह पेन है, आप देख रहे हैं ना, मैं कहूँ दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यह कलम मेरी है। अब मैं आगे कहूँ कि यह पुस्तक मेरी है, तो दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह पुस्तक मेरी है, इस तरह से होगा। तो आइए इसका भी एक बार हम पुनः हिंदी अर्थ देख लेते हैं। देखें यहाँ से योर ब्रदर्स से लेकर के बिलोंग्स टू मी तक, देखिए, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही पानी पीने की कोशिश की थी। उनका अनुसरण मत करो, उनका अनुकरण मत करो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो, यह तालाब मेरा है। आइए थर्ड पैसेज को देखते हैं। इट डेड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, देखिए अंडरस्टैंड समझना के पहले टू लगा है तो समझना हो गया, ना ने नहीं हुआ, दैट की दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ एक्स, करा इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा, मोमेंट का मतलब क्षण होगा, भी नहीं लगा। दैट का मतलब यहाँ होगा कि, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, कि जब कभी भी सेंटेंस के बीच में दैट आएगा तो इसका अर्थ की होता है, आप याद रखिएगा। वह मुझसे कहा कि, ही टोल्ड मी, आप जानते हैं कि, यू नो दैट, तो दैट का मतलब यहाँ की होगा। दीज कुड बी नन, क्या कहा उन्होंने आगे, कि यह किसी अन्य के नहीं, अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, कह रहा है वरन यक्ष के शब्द हैं। एंड और गेस्ड, अनुमान लगा लिए, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, जो उनके भाइयों के साथ बीता होगा या उनके भाइयों के साथ जो कुछ भी हुआ होगा। यहां देखिए, यहां व्हाट का मतलब जो होगा। इट टुक हिम, पास्ट डेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट नो हेल्पिंग और मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, बैक टू लाइफ पुनर्जीवन में, ब्रिंग मतलब वापस लाना, ऐसा होगा। आप देखें, करा उनको पुनः जीवित कराने का संभव प्रयास समझने में उन्हें देर नहीं लगी। आगे देखें, ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने शरीर विहीन आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछें। देखें एक बार इट से लेकर के क्वेश्चंस तक का समरी पुनः हिंदी में देख लें। कह रहा है कि युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि यह किसी अन्य के नहीं वरन यक्ष के शब्द हैं, और अनुमान लगा लिए कि उनके भाइयों के साथ क्या बीता होगा, उनको पुनः जीवित कराने का संभव उपाय समझने में उन्हें देर न लगी, उन्होंने शरीर विहीन स्वर से कहा, कृपया अपने प्रश्नों को पूछें। आगे देखिए, द वॉइस आवाज पुट क्वेश्चंस रैपिडली, शीघ्रता से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, अर्थात उस आवाज ने या आवाज ने एक के बाद दूसरा प्रश्न बहुत शीघ्रता से पूछा। क्वेश्चन नंबर वन, आपको याद रखना है कि आवाज ने, अर्थात आवाज मतलब यक्ष, यक्ष का मतलब यमराज, यमराज ने यक्ष के रूप में जो है यहाँ पर आए हुए हैं। व्हाट, क्या, रेस्क्यूज बचाता है, मैन इंसान को इन डेंजर, खतरे से, कह रहा है कि मनुष्य की संकट में कौन रक्षा करता है,
मनुष्य को खतरे से क्या बचाता है? यह प्रश्न आवाज ने पूछा। नीचे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज वर्ड है, यह वर्ड जो है युधिष्ठिर का है, उन्होंने जो जवाब दिया, कॉरेज मीन्स साहस। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा, साहस बचाता है खतरे से। अब आप समझ रहे होंगे कि साहस कैसे बचाता है। तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि आप किसी खतरे में बचे हुए हैं, आप अगर आपको लग रहा है तय है कि हमारी मृत्यु निश्चित है, जैसे आप जो है कहीं आग में घिर गए हैं, चारों तरफ से आग मकान में पकड़ लिया है, यह 100% है कि उसमें जल करके मृत्यु होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति साहस करके किसी तरह से बाहर निकलने का प्रयास करता है, शरीर को किसी तरह से ढक करके, तो हो सकता है इत्तेफाक से वह बच जाए। तो इंसान अगर खतरे में जो है बचना चाहता है, खतरे से अपने आप को बचाना चाहता है, तो इंसान के पास साहस का होना जरूरी है। वैसे हर एक काम के लिए साहस का होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस क्वेश्चन को यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से, कितना इंटरेस्टिंग और अच्छी जो है क्वेश्चन है, अच्छी जानकारी है। बाई द स्टडी ऑफ हिज साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, इंसान बुद्धिमान बन जाता है। अर्थात कौन से विज्ञान का अध्ययन कर ले कोई व्यक्ति, कौन सी पुस्तक को इंसान पढ़ ले कि वह इंसान जो है बुद्धिमान हो जाएगा। अगर ऐसी कोई पुस्तक हो तो हम भी पढ़ना चाहेंगे उसे, कि हम पढ़ करके उसको क्या हो जाएं, बुद्धिमान हो जाएं। आगे देखिए, कितना आसान शब्दों में और कितनी अच्छी तरह से यक्ष ने जवाब दिया। क्या कहा, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर ने कहा, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से नहीं, डज मैन बिकम वाइज, एक इंसान बुद्धिमान बनता है, इट इज बाई एसोसिएशन मीन्स संगति होगा, साथ होगा, विद द ग्रेट बुद्धिमानों के, इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। कह रहा है केवल बुद्धिमानों के साथ रहने से ही एक इंसान के अंदर बुद्धिमानी आती है। अर्थात किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता, वरन बुद्धिमानों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। हम जिस समाज में रहते हैं छात्रों, जिस जो है परिवेश में रहते हैं, हम उसी परिवेश में ढल जाते हैं। आप बहुत ढेर सारी कहानियों को सुने होंगे कि अगर 10 कौओं के बीच में एक हंस को डाल दिया जाए, तो आप बताओ वह जो हंस होगा उसका विचार जो है कौओं से मेल खाएगा कि हंस से। जाहिर सी बात है कौओं से मेल खाएगा। तो संगति के वजह से एक हंस का विचार का आचरण का जो भी एक्टिविटीज है वह कैसा हो गया, कौओं की तरह से हो गया। उसी तरह से अगर एक जो है कौवे को अगर 10 हंसों के बीच में डाल दिया जाए तो संगति का असर पड़ता है। छात्रों आप जो है क्लास में रहते होंगे, आप देखते होंगे कि कोई छात्र बहुत अच्छा पढ़ने में है, बहुत अच्छा है, लेकिन इत्तेफाक से उसकी संगति गलत हो गई, तो संगति की वजह से वह छात्र धीरे 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 एक कमजोर छात्र हो गया। उसी तरह से कोई कमजोर छात्र था, अगर उसकी संगति अच्छे छात्रों के साथ हो गई तो वह धीरे धीरे संगति की वजह से एक अच्छा छात्र हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर सुझाव देना चाहता हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से सुझाव देना चाहता हूँ कि अवॉइड द कंपनी ऑफ बैड स्टूडेंट्स। अगर कोई बुरा छात्र है, बैड कंपनी है, तो उससे आप बचिए, उससे दूर रहिए, क्योंकि आपका फ्यूचर जो है, भविष्य जो भी है आपका, खराब हो सकता है। आइए हम चैप्टर पर चलते हैं, पुनः देखें। द यक्ष आस्क्ड, थोड़ा सा बुक को खिसका ले दीजिए, कैमरा नहीं पकड़ रहा वहां तक, हाँ देखें क्या है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, कहा हवा से भी अधिक तेज गति, हवा से भी अधिक तेज क्या होता है, कौन सी चीज होती है जिसकी गति हवा से अधिक तेज होती है। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि यार हवा से तेज कौन सी चीज होती है, तो होती है, जिसका जवाब युधिष्ठिर ने दिया, क्या, माइंड, मस्तिष्क। एक इंसान का मस्तिष्क हवा से भी अधिक तेज गति से चलता है। अब हवा बहुत तेज आया, आप सोच रहे हैं कि मेरे पापा, या सोच रहे हैं यार मैं तो दिल्ली में था, मेरे जो है वहाँ मामा रहते हैं, तो मामा दिल्ली में कैसे होंगे, तो आपका माइंड कहाँ पहुँचा है, दिल्ली में। क्या हवा वहाँ दिल्ली में पहुँच चुकी होगी, नहीं ना, नहीं पहुँची होगी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मोर फेडर देन ए ड्राइड स्ट्रा, यक्ष ने कहा
कि एक सूखे हुए तिनके से अधिक सूखा हुआ क्या होता है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वारो स्ट्रेकन हर्ट। क्या कहा? एक दुख से टूटा हुआ हृदय सूखे हुए तिनके से भी अधिक सूखा हुआ होता है, सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। एक दुख से पीड़ित हृदय, जब इंसान का दिल टूट जाता है तो इंसान कुछ भी कर लेता है। आगे देखें, व्हाट बी फ्रेंड्स और ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है? अगर कोई यात्रा करता है तो उसका मित्र कौन होता है? क्वेश्चन देखिए, आंसर है लर्निंग, मतलब क्या? ज्ञान। तो यहाँ देखें आप कि अगर आप यात्रा करते हैं तो आपका मित्र कौन है? ज्ञान है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो मैं आपके लिए तुरंत लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, दो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि YouTube पर यह मेरा पहला वीडियो है जो एक एक चीज को क्लियर करके मैं बता रहा हूं, मीनिंग से लेकर के हर एक चीज को। यह चैप्टर समाप्त होने के तुरंत बाद मैं इसका पैसेज सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगा, इजी भाषा में एकदम आसान शब्दों में लिखा हुआ मैं जो है उपलब्ध कराऊंगा। इसका PDF मैं आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं, हमसे ले सकते हैं, या वीडियो से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप लॉकडाउन का फायदा उठाइए, आप घर पे रहिए, जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सरकार जो कह रही है उसको कीजिए, और घर पर रह करके मेरे चैनल के माध्यम से एकदम आप तैयारी कीजिए। मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द आपका सारा सिलेबस मैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट का है पूरा एकदम समाप्त कर दूंगा। आपको न कोचिंग की जरूरत है, न किसी चीज की जरूरत है, ताकि जब आपका स्कूल या कॉलेज जब ओपन हो तो आप अच्छी तरह से तैयार करके अपने आप को एक नए चेहरे के रूप में क्लास में अपने आप को प्रस्तुत करें, ऐसा मैं आपसे चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।